हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब $60,000 के ऊपर बिटकॉइन को देख के थोड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे। और यहाँ पे मार्केट के अंदर दो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, और अगर हिस्ट्री को देखते हैं और ये न्यूज़ चली तो आप कह लीजिए एक बड़ा बुल रन ट्रिगर कर सकती हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन को लेके तो हम बात करेंगे ही, लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है, माहौल क्यों बन रहा है, और क्या $60,000 के ऊपर जो अभी एक रेजिस्टेंस है ना, इसके पार गया तो आपको $70,000 भी बिटकॉइन का प्राइस लगता दिख सकता है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि यार हमारे पास नहीं है बिटकॉइन, हमारे पास नहीं है इथेरियम, हम तो लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइंस। ऑल्ट कॉइंस मतलब जो दूसरे कॉइन, उनका बताओ। तो यहाँ पर अगर पीछे की हिस्ट्री को कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले बिटकॉइन अच्छा बढ़ता है, और हम यही चाहते हैं कि कम से कम बिटकॉइन एक अच्छे लेवल पे आए। तो वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो दूसरे कॉइन भी आपको अच्छा करता दिखेंगे। तो जो अगर पार्ट टू ऑल सीजन का जो पीछे के चार्ट्स अगर आप देखोगे, जब भी बुल रन आया तो कैसे आता है, पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम बढ़ता है, फिर टॉप कॉइन्स जो हैं वो सारे बढ़ते हैं, और फिर जो चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन जो भी आप लेके बैठे हो उनका नंबर आता है और वो कई मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जाते हैं। तो ये सारी बात मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। और इलॉन मस्क का जो खेल इस टाइम पे शुरू हुआ है, बहुत टाइम के बाद उन्होंने डॉज को लेके या डॉज से रिलेटेड कोई ट्वीट किया है, और यहाँ पर ऐसा लगता है अगर लगातार इन्होंने झड़ी लगा दी कुछ मीम कॉइन्स की, या आप कह लीजिए कुछ कुछ मीम्स के जो है ट्वीट्स कर दिए या पोस्ट कर दिए जो है अपने एक्स या ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो एक मीम सीज़न भी आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मीम सीज़न आता है तो कॉइन्स सारे आपको बढ़ते दिख सकते हैं। ये मत भूलिएगा कि टेस्ला जो है 10,000 बिटकॉइन ऑलरेडी आज भी होल्ड करता है, जो उसने कुछ पिछले एक दो साल से सेल नहीं किए। तो ये सारी बात करने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ है मेरे को बताने के लिए, और चार पांच कॉइन्स भी आपके लिए इस वीडियो के अंदर ले लेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हम हमेशा आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हो, हम जो भी इंफॉर्मेशन आती है दिन रात लगे रहते हैं कि आपको कुछ बेस्ट या अच्छे से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको लेके आ सकें, तो आप भी अपने एफर्ट्स कर दिया करो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं, और बिटकॉइन के अंदर दो बड़ी न्यूज़ है। सबसे बड़ी अगर मैं न्यूज़ करता हूँ वो इलॉन मस्क की है, उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक सिग्नल है जो कहीं ना कहीं बताता है, अगर पीछे 6 महीने या जनवरी से शुरू देखते हैं या अक्टूबर पिछले साल से देखते हैं, तो यहाँ पर जब भी USDT मिंट हुए हैं, प्रिंट हुए हैं, तो हमने आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइंस को बढ़ते देखा है। तो अभी आपको 10-15 दिन पहले भी ये मिंट हुए थे $1 बिलियन। $1 बिलियन कितना होता है, 8-9 हज़ार करोड़ रुपए। और आज अभी सुबह की न्यूज़ है फिर दोबारे से $1 बिलियन जो है मिंट हुए हैं USDT। अब यहाँ पर जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बाइंग के लिए नया पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि भैया जो है छाप के रख लिया या बना के रख लिया, कहीं ना कहीं एक बड़ी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर इसकी वजह से अगर पीछे की हिस्ट्री को देखते हो तो हमने देखा है कि माहौल अच्छा बनता है, ऑल्ट कॉइंस और बिटकॉइन पंप करते दिख सकते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर एक बड़ा पंप बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट लेते दिख सकती है। ये एक बड़ी न्यूज़ है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डालती है। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो है इलॉन मस्क। हर कोई वेट कर रहा था यार इलॉन मस्क कुछ अच्छा बोले बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले महीने की बात करता हूँ यहाँ पर, तो उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को लेके अपना जो है, या ट्विटर के ऊपर से बिटकॉइन का जो इमोजी होते हैं हैशटैग के बाद वो हटा दिया, क्रिप्टो के इमोजीज हटा दिए, तो लोग डिसपॉइंट हो गए, और कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट भी कुछ नेगेटिव साइड में थी बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को लेके। तो कहीं ना कहीं लोग बोलने लगे यार ये इलॉन मस्क ने भी लग रहा है हमारे साथ में गड़बड़ कर दी है। लेकिन आज का जो इनका ट्वीट है वो कहीं ना कहीं, देखो ये डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे कि डॉज ले लो या क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर मैं अभी एक्टिव हूँ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक तीर से दो जो है काम करने की कोशिश की है। इन्होंने जो पोस्ट किया है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, I am willing to serve, पीछे अमेरिकन फ्लैग है, इनकी फोटो है, और जो नीचे लिखा है DOGE,
DOG समझ लीजिए भैया, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो गया, मीम कॉइन से रिलेटेड हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं डॉज को सपोर्ट दिखाई जा रही है। और नीचे इसकी जो फुल फॉर्म रखी है वो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन को लेके एक मैसेज दे रही है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ताकि गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके, और ये जो है इसके लिए फीलिंग है सर्व करने के लिए। और यहाँ पे अभी जो बात निकल के आ रही है ट्रंप की तरफ से, अगर वो इलेक्ट होते हैं तो हो सकता है इलॉन मस्क को कैबिनेट का जो है रैंक में कुछ दे सके, या वो एक एडवाइज़र की तरह उनकी गवर्नमेंट के लिए काम करें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो डॉज मीम कॉइन से रिलेटेड भी काम हो गया, US इलेक्शन से लेके भी सारी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इतना कुछ एक फोटो हमें बयां कर सकती है, और कहीं ना कहीं जब ये ट्वीट आया था उसके बाद हमने डॉज हो या ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखी। हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या और बड़े ये जो है ट्वीट्स करते हैं, या कुछ और ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिससे मीम कॉइन्स को, खासकर डॉज कॉइन को पंप होता दिखे। डॉज कॉइन बढ़ेगा तो सारे मीम कॉइन भी आपको बढ़ते दिखेंगे। मीम कॉइन्स जो आज हैं, मैं मीम कॉइन भी 4-5 ले लूँगा जो मेन हैं, डॉज, शिवा, पेपी, फ्लॉकी, उनका क्या लगता है। लेकिन अगर 2021 को याद करें, एक बड़ा चेहरा इलॉन मस्क थे, और इनकी वजह से हमने बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा बुल रन देखा था, और बिटकॉइन $69,000 चला गया था। अगर इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा साथ दे दिया क्रिप्टोकरेंसी वालों का, या कुछ ऐसे ट्वीट्स आ गए, तो कहीं ना कहीं एक खेल बन सकता है। और हमें पता ही है कि यहाँ पर आखिरी क्वार्टर की बात करते हैं या अगला 2025 की बात करते हैं, पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं, जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में बताया, तो यहाँ पर एक बड़े बुल रैली के लिए, या आप एक बनाना जोन की बात करते हैं, एक बड़े पंप की बात करते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और बन जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बड़े बड़े बैंक्स, जो इटली का एक पुराना बैंक है बैंका सेला, भैया बैंक ही ऑफर कर रहा है बिटकॉइन की, भैया आ जाओ हमारे से बैंक बिटकॉइन ले लो। तो आने वाले टाइम के अंदर अडॉप्शन बढ़ रही है। दुबई की गवर्नमेंट, यूएई की गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया वो रिकग्नाइज करती है कि क्रिप्टो करेंसी को सैलरी के लिए, पेमेंट्स के लिए दे सकते हो। तो यहाँ इतनी अडॉप्शन बढ़ रही है, और हमें यही लग रहा है कि पता नहीं बिटकॉइन $50,000 पे तो नहीं आ जाएगा, $15,000 पे तो नहीं आ जाएगा। बड़ी बात आपको बताता हूँ, वो है बिटकॉइन ETF को लेके, और वो इग्नोर मत कीजिएगा। ब्लैक रॉक को जब भी मैं देखता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुँच जाता है, और कल भी उन्होंने लगभग 1,600 बिटकॉइन खरीदे, ग्रे स्केल ने कुछ नहीं बेचा कल, और यहाँ फिडेलिटी ने भी खरीदे। तो कह लीजिए घूम फिर के यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन है पूरी हिस्ट्री के अंदर बिटकॉइन ETF जब से लॉन्च हुए हैं कि ब्लैक रॉक ने एक ही दिन सेलिंग करी थी, नहीं तो लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। और ये एग्रेसिव बाइंग $20-25 बिलियन, यानी कि ये हम 2,000-4,000 करोड़ की नहीं, हजारों, 50,000-50,000 करोड़ से ज़्यादा ये यहाँ पे माल बटोर चुके हैं। तो ये क्या तैयारी करके चल रहे हैं, क्या सोच के चल रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए, ना कि यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि भैया मेरे 10,000 के 5,000 तो नहीं रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे तो कभी भी परेशान नहीं होगे, रिस्क लेके चलो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो का 5-10% एक्सपोजर क्रिप्टो में रखोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, लेकिन 100% लगा दोगे तो वही हाथ पैर फूलने लगेंगे, जो अक्सर होता है। तो ये दो बड़ी न्यूज़ हैं, इलॉन मस्क ले लो, USDT का मिंट होना, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक बड़ा पंप ले सकती है। लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है। आज अभी देखो $61,500 के आसपास छू के ये दोबारा रिजेक्ट हो रहा है, और $61,000 के आसपास आ गया। 50-day मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है, फिर आपको $62,800 पे 200-day मूविंग एवरेज की है, फिर लगभग $64,000 के आसपास 100-day मूविंग एवरेज की है। तो ये जो जोन है ना, 62 से $64,000 का जोन, वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके पार जाता है और इसको यहाँ पे पार कर पाता है, तो ये कभी भी आपको जो है आने वाले टाइम के अंदर $70,000 लगना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लाइंस पे ट्रेड करना है, लेकिन अगर आप 6 महीने के आसपास यहाँ दे दो, यानी कि पहला 2025 का या 2025 के मिड तक रह सको, तो ऐसा लगता है एक बड़ा जलवा। अगर हम बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखते हैं, हाफिंग के बाद अगले साल को देखते हैं, और हाफिंग के आखिरी क्वार्टर को, जिस साल में हार्विंग होती है उसके आखिरी क्वार्टर को देखते हैं, तो ऐसा लगता है
कि खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, बुल रन तो हमने अभी देखा ही नहीं है, जो असली हम बनाना जोन की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आपको लगता है कि हम आपका हर सिचुएशन में साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, इतना कंजूसी मत किया करो। एक छोटा सा ये लाइक ठोकने में मोबाइल जब वीडियो देख ही रहे हो, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो बहुत सारे चार्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं कि, और जो बहुत सारे एनालिस्ट हैं, आप तो ऑथर हाइक्स बिटमैक्स के जो प्रीवियस सीईओ रहे थे, ठीक है, एक्स सीईओ की बात करते हैं या फाउंडर की बात करते हैं उनके, तो उनका कहना है भैया 2025 में $1 मिलियन जा सकता है, 2024 के एंड में $1 लाख जा सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात बोलते हैं तो वो बोलते हैं भैया 2024 के एंड में $1 से $1.5 लाख जा सकता है, 2025 में $2.5 लाख जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और ETF वाले जिस हिसाब से माल बटोरे जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भैया ये $1 लाख के लिए नहीं इतना मेहनत कर रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं पिक्चर बड़ी हो सकती है और यहाँ से दुगना तिगना बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए। हमारे हिसाब से $1.20 से $1.5 लाख के बीच में हम फिलहाल ये देखते हैं, अगर यहाँ आता है तो हम अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू करेंगे। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑल्ट कॉइंस की, तो ऑल्ट कॉइंस के अंदर भी खेल कम नहीं है। और अगर मैं ऑल्ट कॉइंस की ओवरऑल देखता हूं, तो कुछ कॉइंस हैं, सबसे पहले मैं इथेरियम की बात कर लेता हूं। यहां पर जैसा कि हमने आपको बोला हुआ है, 21 डे मूविंग एवरेज लगभग $2,700 के आसपास को रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 0.5 फिबोनाची की रेशियो है, 2850 वहाँ इसको रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको जो है लगभग $3,100 पे 50 डे मूविंग एवरेज और 3350 की फिबोनाची की रेशियो 0.618 ये रेजिस्टेंस है। तो आप कह लीजिए अगर इन सबके पार जाता है, 3350 के ऊपर अगर ये क्लोज कर पाता है, तो इस बार ये ऑल टाइम हाई के लिए ज़रूर ट्राई कर सकता है, हमें ऐसी उम्मीद है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो $2,400 के आसपास को सपोर्ट मिल रही है, तो इस हिसाब से आप नजर बना के यहां पे रख सकते हो। और इथेरियम को लेके एक बड़ी न्यूज जो निकल के आ रही है वो भी मैं आपको बता दूं, जो डेटा सामने निकल के आया है, अगर यहां देखते हैं तो इथेरियम के अंदर भी एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। और यहां पे देखते हैं $2,600 के आसपास जो मैट्रिक्स है वो क्या बताता है कि लेट स्टेज ऑफ करेक्शन है, हम आखिरी स्टेज में है करेक्शन की। और यहां से जब भी ये ग्रीन हुआ है, और अगर बुल मार्केट की बात करते हैं, तो एक बड़ा पंप ड्यू है इथेरियम के अंदर भी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाएगा, $1 लाख छुएगा, क्या इथेरियम $5,000 $10,000 जा सकता है, आपको क्या लगता है? या सिर्फ यही आप सोच के बैठे हो कि भैया जिस रेट पे मैंने बाइंग किया है उस पे आ जाए और मेरा पिंड छोड़ो और मेरा पीछा छोड़ो क्रिप्टो करेंसी से, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे। लेकिन इलॉन मस्क का खेल हुआ है तो डॉज कॉइन के बारे में तो बात करनी बनती है। डॉज कॉइन की बात करते हैं तो $0.808 के आसपास आ गया था, जो कि सितंबर या अक्टूबर 2023 के अंदर ये प्राइस था। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस टाइम पे भी 0.10 सेंट्स के आसपास मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है। यहां से ये पंप किया तो हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस है $0.12 के आसपास, अगर इसके ऊपर जाता है तो $0.15 तक ये जा सकता है। और ये $0.21 शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है, यानी कि 50 से 100% का पोटेंशियल हम इसके अंदर शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, इलॉन मस्क से जैसा पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की है, डॉज को कहीं ना कहीं मेंशन करने की कोशिश की है, तो ऐसा लगता है कि अपने जो ऑल टाइम हाई से आधे $0.35 तक भी आपको जाता दिख सकता है। दूसरे कॉइन की बात करते हैं शिबा इनू 21 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है, लगभग 1300 के आसपास अगर ये मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग 1100 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ से पार गया तो ये जो है हमें 1700 से 2200 कभी भी लगता दिख सकता है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है इसको 2500 के आसपास है, तो ये यहाँ तक जा सकता है, यानी कि 50 से 100% शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है, एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो सकता है। दो कॉइन हैं जो इस बारी बुल सीजन के अंदर पहली बार दिखेंगे, वो है पैपी और फ्लॉकी। जो हिसाब से जलवा दिखाया, 10x चले गए, उसके बाद अभी थोड़ा ईज आउट होते दिख रहे हैं। तो 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस है लगभग, अगर मैं पैपी की बात करता हूँ 850 के आसपास। लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ से ये 1100 के आसपास जा सकता है, और 850 के नीचे 750 के आसपास मिल जाए तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री लगभग 600 के आसपास मिल जाए एंट्री बनाई जा सकती है। ये आपको 1100 से लेके 1500 लगता दिख सकता है अगर मीम कॉइन्स का दोबारा माहौल बनता है। फ्लॉकी की बात करते हैं, फ्लॉकी के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है जो कि लगभग 12,500 के आसपास आ रही है, एक एंट्री यहाँ और एक एंट्री 11,000 के आसपास बनाई जा सकती है। ये जो है 16,000 से लेके 18,000-20,000 तक आपको देखे जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। हम कोई
कोई शॉक नहीं होंगे अगर ये अपने ऑल टाइम हाई जो इसका 30,000 के आसपास है उसको छूता दिखे। बाकी दो क्वाइन और हैं जो आपने हमसे पूछे हैं, एक तो मैटिक है जिसके बारे में पूछ रहे हो, $0.4 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। ये यहाँ से अगर अपना ऑल टाइम हाई भी छूता है तो 5 to 10x का पोटेंशियल रखता है, जो पॉसिबिलिटी बहुत लगता है कि हो सकता है। और यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म में भी देख रहे हो तो 0.75 से लेकर $0.8 कभी भी जाता दिख सकता है, यानी कि 50 to 100% का रिटर्न शॉर्ट टू मिड टर्म में ये रखता है। एक क्वाइन जो स्पेशली लोगों ने कमेंट में पूछा है वो है PYTH। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर वो जिस लेवल पे आया था जहाँ से रैली चली थी वहीं आ गया, तो $0.29 के आसपास अगर ये मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $0.25 के आसपास मिल रहा है तो यहाँ बनाई जा सकती है। इस शॉर्ट टर्म में आपको कह लीजिए कि 3500 से 4000 $0.4 तक आपको देखे जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से चला तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि 0.8 से लेके $0.85 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में भी देखे जा सकता है, और ये जो है मल्टीपल टाइम रिटर्न ये भी पोटेंशियल रखता है देने का। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जो भी न्यूज़ आ रही है आपके साथ शेयर करना, आपका काम है अपनी खुद की रिसर्च करना, थोड़ा सा लाइक दबाने पे मेहनत करना, शेयर करने पे वीडियो को मेहनत करना, ताकि हमें लगे कि हमारे भाई बहन हमारा साथ दे रहे हैं जैसे हम दे रहे हैं, और हम और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए लेके आएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसे से कीजिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।